हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। और आज की वीडियो इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं लेकर आई हूं कि पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ना, किस तरह से हमें पौधों की देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टाइम होता है जब पौधे बहुत सारे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हम भूल जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अक्सर हमने देखा है कि जब बरसात का समय आता है, पौधों की ग्रोथ अचानक से बहुत अच्छी होने लगती है और हम भी बड़े खुश हो जाते हैं अपने बढ़ते पौधों को देख के। कितनी हरियाली हो रही है चारों तरफ, कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय आपको पौधों को देना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आज आपके सामने ही एक खाद लेकर आई हूँ। एक वर्मी कंपोस्ट है जो सबसे पहले मैंने डाली है और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ नीम खली, क्योंकि यही एक मौसम होता है जिसमें बहुत सारे वाइट एफिड्स अटैक, ब्लैक एफिड्स अटैक और बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो पौधों को अटैक करते हैं और फंगस लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसी मौसम में। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लीजिएगा अपने पौधों में कि इस तरह से बस एक मिक्सचर बनाना है नीम खली का। नीम खली मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला है, एक पैकेट मैंने पूरा वर्मी कंपोस्ट लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा, कम से कम 5 से 6 मुट्ठी करीब मैंने नीम खली उसमें ऐड करा है। बरसात के समय पे ये इस तरह से खाद देना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पौधे उस समय अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। पौधे बेसिकली पूरी अपनी जान लगा देते हैं इस समय अपने प्लांट को बड़ा कर रहे होते हैं। रूट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीव्स पे आप देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप मेरे टेरेस गार्डन में देख रहे हैं, फलियाँ आ रही हैं, सब्जियाँ आ रही हैं, जितने फ्रूटिंग हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो जितना भी ये सब पौधे कर रहे हैं तो उनकी इतनी एनर्जी यहाँ पे लग रही है और अगर इस समय पे हम उनको खाद ना दें तो बहुत ही जल्दी पौधे ख़राब भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। जैसा कि देख सकते हैं ना, ये मिर्च का पौधा है, करी पत्ता है, गुड़हल है। गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस टाइम पे और हमें लगता है कि हमारा पौधा तो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है और यही एक स्टेप है जो हम मिस कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ाई कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने वाटरिंग की थी प्लांट में। कभी भी सूखे पौधे में खाद मत डालिए। कई बार हम क्या गलती करते हैं, बिल्कुल सूखा पौधा होता है, मिट्टी सूखी होती है, उसमें हम पहले खाद डाल देते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं सो दैट वो जितना भी न्यूट्रिएंट है खाद का वो नीचे चला जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, कोई भी खाद, ये खाद थोड़ा गर्म होती है जिसकी वजह से रूट्स के जलने के चांसेस हो जाते हैं, रूट्स के खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुत ही ध्यान से गुड़ाई करनी है। वाटरिंग सबसे पहले करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, लेकिन मिट्टी जो है थोड़ा गीली होनी चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गीली मिट्टी हो, उस पर बहुत ध्यान से गुड़ाई करनी है और इस तरह से खाद को ऊपर डाल देना है और इसके ऊपर वाटरिंग हमें नहीं करनी है। तो जो भी वाटरिंग करेंगे हम नेक्स्ट डे करेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही छोटी गड़बड़ होती है जो पूरे पौधे को ख़राब करती हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से हमारा पौधा ख़राब क्यों हो गया, ये तो बहुत अच्छा चल रहा था, हमने तो खाद भी डाली थी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और स्पेशली हमें बारिश के समय पर ध्यान रखना है कि पानी जो है वो गमले में रुके नहीं, स्पेशली टेरेस गार्डन में। जो पौधे डायरेक्ट ज़मीन में लगे होते हैं वहाँ हमें इतना सोचना नहीं पड़ता क्योंकि ज़मीन से वो ऑटोमेटिकली अपने आप सारे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, लेकिन जितना हम टेरेस गार्डनिंग में गमले लगाते हैं वहाँ हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे एफर्ट्स बहुत होते हैं, वहाँ मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि टेरेस गार्डन में आप एक गमले के अंदर उस पौधे को लगा रखें, उसके पास सिर्फ वही उतनी ही मिट्टी है, वही अमाउंट की मिट्टी है जो उसको बार बार यूज़ करनी है, उसके पास प्लांट के पास कोई सोर्स नहीं है ज़मीन जैसा कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद से ले सके। तो इसलिए हमें ऊपर से समय समय पे न्यूट्रिएंट्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए टेरेस गार्डनिंग थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी गुड अगर आप अपने टेरेस पे अपनी सब्जियां खुद लगाएं, जैसे ये चौलाई का साग लगा हुआ है, पुदीना बहुत लगा हुआ है, यहाँ पे मिर्च लगी हुई है, बैंगन लगा हुआ है। अब अगर आप ये देखेंगे तो बरसात में ये एकदम से बहुत अच्छा ग्रो हुआ, बट जैसा मैंने बताया कि बरसात में पौधे ग्रोथ हो जाते हैं, हम एक और चीज़ भूल जाते हैं और वो है प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करना बिल्कुल ना भूलें, पौधों को टाइम टू टाइम प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत रहती है।
पौधों की प्रूनिंग करने के, जो कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करने से हमें लगता है हम पौधों को छोटा कर रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पौधों की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे यहाँ पे ऊपर कलियाँ आ रही थी, मतलब जो फूल बन रहा था बैंगन का, लेकिन मुझे यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे अभी तक 3G कटिंग नहीं हुई है। मैंने सिर्फ एक कटिंग करी थी, तो अभी ये 3G कटिंग मुझे करनी है। हालांकि हस्बैंड ने बोला इसमें फ्लावरिंग आ रही है, इसको कटिंग मत करो। मैंने कहा नहीं, ये फ्लावरिंग ये सिर्फ एक धोखा है, ये बनेगा नहीं। तो अगर कटिंग कर देंगे तो नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस बनेगा, जिससे अच्छी सी ग्रोथ भी होगी प्लांट की, और ये उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, उसमें बैंगन भी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दी है। तो इसी तरह से आपको बाकी पौधों की भी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग ज़रूर करनी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। और स्पेशली बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं प्लांट, तो उनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहिए, क्योंकि मिट्टी सफिशिएंट नहीं है, गमला हमारे छोटा है, तो इतनी ग्रोथ हो जाती है कि रूट्स भी बहुत ओवर डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम प्रून करते रहेंगे प्लांट्स को, तो आपके छोटे से ही गमले में बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। जो भी हो, टेरेस गार्डनिंग का भी अपना ही एक अलग मजा है। सब्जियां उगाइए, फूल उगाइए, अपने पूरे टेरेस गार्डन को हरा भरा बनाइए, और प्लीज़ पौधों की देखभाल ज़रूर करिए। टाइम टू टाइम उनको पानी दीजिए, टाइम टू टाइम प्रूनिंग करिए, उनको खाद की ज़रूरत है तो खाद दीजिए। बहुत सी ऐसी खाद हैं जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।